नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और डाउ जोन्स का चार्ट देखते हैं भैया, इसको भी हम काफी पहले से देखते हुए आ रहे हैं। यहीं से हमने इसको पकड़ा हुआ है नीचे की तरफ, और एक एक जैसे जैसे प्रेडिक्ट करते चले गए हैं भगवान की दुआ से, वैसे वैसे डाउ जोन्स का चार्ट करता भी चला गया है। तो अभी आगे क्या हो सकता है, देखिये डाउ जोन्स बहुत गिर चुका है, डाउ जोन्स, नैसडेक, इनफैक्ट वर्ल्ड के मार्केट काफी गिर चुके हैं, और मैं इसको देख चुका हूँ, अच्छे से समझ चुका हूँ। यहाँ पे 28730, ठीक है, ये थोड़ा सा एक से दो या तीन दिन तक साइडवेज टाइप कुछ रह सकता है। नीचे जगह नहीं बची अब गिरने की, अभी नीचे गिरने की जगह नहीं बची है आपके डाउ जोन्स में। और थोड़ा वीकली चार्ट लगाना पड़ेगा। ये देखिए, जो मैंने आपको एक चीज यहां पे दिखाई थी कि ये चार्ट लिंक नहीं है, यहाँ जो गैप है ये अलग पूरा एक चार्ट चल रहा है, ये टेरिटरी बिल्कुल अलग है। तो ये टेरिटरी लिंक होने के लिए थोड़ा सा ही गैप पेंडिंग है बस, और मुझे लगता है कि ये लिंक हो जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, ये कैंडल का जो हाई है वो है 28495, और ये कैंडल का जो लो है वो है 289। देखिए यहां दिखेगा आपको, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, ये लो, इस कैंडल पे लो देखिएगा, जब मैं यहां करूंगा तो हमें गैप का पता लग जाएगा कितना है, 28902, ठीक है, 28902। और इस कैंडल का अब देखिएगा हाई कितना है, 28495। तो लगभग 400 पॉइंट कितना बनेगा, ये 7904 407 है ना, हाँ, तो 407 पॉइंट का ये गैप है, और ये बहुत बड़ा गैप है भैया, 100-150 का नहीं, 407 पॉइंट का गैप। तो ये भर जाएगा क्योंकि इसके बीच में इसने क्लोजिंग दे दी है। थोड़ा सा आप इधर आएंगे तो अभी जो क्लोजिंग आई है 28730 आई, ठीक है, 28730। तो 28495 या 28500 बस, इसके आसपास जब डाउ का चार्ट आएगा या यहां आ जाएगा, यहां से एक तेजी आनी चाहिए जो कम से कम 30,000 या 30,200-300 तक आनी चाहिए यहां से, ठीक है, और फिर फर्दर गिरावट नीचे की तरफ आनी चाहिए, ये चार्ट बोल रहा है। अब आप बोलोगे भैया 150-2000 पॉइंट राइज होना है, कुछ न्यूज तो चाहिए, मुझे नहीं पता न्यूज क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, कुछ होना चाहिए। यहां से एक ऊपर की तरफ रैली करेगा और यहां तक जाना चाहिए, यहां से लेके यहां तक। अब ये लेवल क्या निकलता है इसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 30,000 से लेके 30,000, यहां पे 28,500 मैक्सिमम देख रहा हूं मैं, मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे जाना चाहिए, इससे नीचे आके एक रैली आनी चाहिए ऊपर की तरफ, जो 29,500 तक तो पक्का जाए, यहां से मैक्सिमम 30,000 और 30,200 तक ये जाना चाहिए, जो नेक लाइन है, जो उसकी ब्रेकडाउन लाइन है, इसको रिटेस्ट करना चाहिए, फिर नीचे की तरफ गिरावट आनी चाहिए क्योंकि ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड हो गया है। जिस टेक्निकल डेटा पॉइंट पे ये यहां से नीचे की तरफ गिरा था, उसी टेक्निकल डेटा पॉइंट पे मैं कह रहा हूं अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, 1000 से लेके 1500 पॉइंट की एक रैली आपको डाउ जोन्स दिखा सकता है, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा, हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, वो अपने मार्केट को प्राइस एक्शन के बेस पे देखेंगे। बात करते हैं नैसडेक की, नैसडेक भी मुझे यहां से एक जंप लेता हुआ दिख रहा है, और ये भी कम से कम आपका
यहां तक जा सकता है 11,500 से लेके 600 तक, 11,600 से लेके 11,700। ये कह लीजिए आप 500 से 800 पॉइंट का राइज आपका नैसडेक देने के लिए तैयार है, डाओ आपका 1000 से 1500 पॉइंट राइज देने के लिए तैयार है, नीचे जगह ज्यादा नहीं बची है गिरने की। गिरेगा भी तो 200-300 पॉइंट रेंग रेंग के गिरेगा। शाम को कितने बजे शुरू होता है मार्केट इनका? 7 बजे शुरू होता है, 1:30 पे क्लोज होता है, 1:30 AM मॉर्निंग पे। इस पूरे दौरान 200-250 पॉइंट से ज्यादा नहीं गिर सकता है डाउ जोन्स, इतनी उसमें गुंजाइश ही नहीं बची है। तो गिरने के लिए उसको ऊपर आना पड़ेगा, और अच्छा खासा ऊपर आना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है 500-600 पॉइंट से कुछ हो जाएगा, डाउ जोन्स में 500-600 पॉइंट से कुछ नहीं होने वाला। 500-600 पॉइंट ऊपर जाके नीचे की तरफ आता है तो थोड़ी सी जगह बनेगी, अच्छी खासी जगह तब बनेगी। और जो मेरी रीडिंग है अब तक, जो मैं मार्केट में देखता आया हूं, इतना राइज आना है डाउ जोन्स में, ठीक है, और इतना ही कुछ राइज आना है आपका 500 से लेके 800 पॉइंट के बीच में, आपका नैस्डेक भी राइज दे। तो ये दोस्तों दोनों का फिलहाल एनालिसिस, जो ये ब्रेकडाउन इन्होंने दिए हैं, इनको रिटेस्ट करना चाहिए डाउ जोन्स को भी, नैस्डेक को भी, और फिर नीचे गिरना चाहिए। और नैस्डेक लंबा गिरेगा इस बार, जब ऊपर की तरफ ये गिरेगा तो अच्छा खासा नीचे की तरफ इसे 8000 तक गिरना है। फिर इसका चार्ट भी यही बोल रहा है, मैंने पढ़ा है इसको, ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। यस करेक्ट, ठीक है, ये मंथली चार्ट है, ये गिरावट बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो एक बार को ये राइज करेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे आएगा ही, और ये लेवल है 8500 जो कोविड वाला लेवल। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मुझे मार्केट में पुल बैक दिख रहा है, स्पेशली यूएस मार्केट में, और अपने मार्केट पे हम लोग लेवल पे प्ले करेंगे। अपने मार्केट का लेवल है फिर वो 17,200, इसके ऊपर जाएगा तो 17,400 से 17,500 तक हम देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।